Awards, or I think I love what Shivani is giving it to me. She's giving me a
feeling happy. Okay, you are happy. Have you received any awards? क्यों मैं बताऊँ? बताना पड़ेगा यार. I have won 3 awards and मैं सदस्य स्टार का. I won digital thanks to the fans जो हमें बहुत प्यार देते हैं. And I have won international jury SS और मैंने दोनों ने. पहले स्टार परिवार अवार्ड तो 3 awards. मेरी खुशी दुगनी हो गई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे प्रोड्यूसर एवरीबॉडी आई थिंक बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ आफ्टर पार्टी में जाना है ना यार क्या है बस करो थैंक यू थोड़ा पीछे आ जाओ Media. Both of you here. देखिए मैं इंडस्ट्री में बहुत लाइक यू नो 18 इयर्स से हूँ एंड विद एवरी ईयर आई थिंक वो चेंज ही होता है आपको कई साल आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे कई साल आपको कम मिलेंगे सो टू मी आई एम प्रिपेयर्ड बट आई एम श्योर ये है मोहब्बत इज अ ग्रेट शो एंड वी विल बैक नहीं हम नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो कहाँ से रूमर्स आ रहे हैं बट वी आर नॉट हाँ क्यों ऐसे तो कूल डूड नहीं है स्टार परिवार का मौका है साल में एक बार होता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए सो वी हैविंग फन विद द डिजाइनर या अवार्ड भी जीते हैं आप लोग जी 3 अवार्ड जीते हम लोग इस बार वन 8 अवार्ड बहुत मॉडेस्टली बोल रहा हूँ मैं वेरी हैप्पी आई थिंक अवार्ड जीतने का मतलब मेरे लिए कि आपका शो एक्सेप्ट हुआ है कैरेक्टर्स पीपल रियली लव एंड माय पेरेंट्स आर रियली हैप्पी सो जस्ट टू सी देम हैप्पी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अवार्ड मिलती है ऑल द ट्रॉफीज आई गिव टू माय पेरेंट्स एंड दे आर वेरी एक्साइटेड या हैव यू प्लेड लेगो एज अ चाइल्ड लेगो खेला है हमने तो मेरा बचपन अभी तक चल रहा है तो मैंने लेगो के पीसेस लगा के यहाँ लगा दिए बेसिकली यू हैव टू मेक द लेगो एंड वी हैविंग फन यार शिवानी शिराली इज माय डिजाइनर जो हमारा लुक इश्वास में करती है आई थिंक शी इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री शी इज वेरी वेरी गुड एंड she thought that I should wear something or somebody chatak gold or chatak black so I said okay we'll go with it Nick hey kya phone pe kya kisi video is pe you live ja rahe hain ya going live pehle bana chahiye na to main live wali deta we're good yeah thank you so much congrats thank you उधर बैठना यार लेट्स गो
पहली बार पहली फिल्म पहला शो पहला प्यार आई थिंक पहला अवार्ड फॉर स्टार परिवार अवार्ड ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर मी आई लव जो कुछ हफ्तों मैंने नच बलिए पे जज करते हुए मैंने बिताया मुझे इतना मज़ा आ रहा है आज सो आज इस परिवार से दूर रहने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली नॉट रियली बट लकीली मैं आई बीन फ्रेंड्स विद एकता फॉर अ व्हाइल तो आई थिंक थ्रू हर लिटिल बिट बिकॉज़ माय एक्टर्स एंड अप गोइंग फॉर हर शोज एंड दे गेट कोलैबोरेटेड विद हर शोज एंड बट माय रियल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इन लोग से पर्सनली अभी हुई नच बलिए पे विद दिव्यांगा एंड पीपल लाइक दिस एंड एक्चुअली मेरी दादी आज बहुत खुश होगी क्योंकि शी इज़ सुपर इन्वॉल्व विद एवरी वन ऑन द चैनल तो शी उसने कहा था कि तुम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मत चले जाना बट इस अवार्ड फंक्शन के लिए जरूर जाना बट आई वुड लव इट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट इट्स जस्ट दैट मैंने पहला काम शुरू किया था वो फिल्म पे किया था शायद अगर मुझे टेलीविजन मिलता तो मैं टेलीविजन नहीं करता इट्स नॉट एज आई हैवंट शूट दैट बट आई जस्ट हैव टू लुक फॉर द राइट कंटेंट मेरी फिल्मों में भी काफ़ी ड्रामा होता है मैम आपने कौन सी पिक्चर में देखा कि इंडिया में हीरो हीरोइन को किसी को एक बात मार ही देता हूँ उससे ज़्यादा क्या ड्रामा हो सकता है बट इंडिया इज़ अ सकर फॉर ड्रामा एंड इज़ रीज़न पीपल आर वॉचिंग इट बिकॉज़ दे लाइक इट सर इकडे थैंक यू सर मैंने जब सराहनी पहना उसका ड्रेस तो मैंने बोला फिर मैं भी ब्लू पहन रहा हूँ तो उसने बोला वैसे भी हम हमेशा कोऑर्डिनेटेड होते हैं और आज भी कोऑर्डिनेटेड हैं इट्स एक्चुअली अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं तैयार नहीं था लोग सोचते हैं झूठ बोलते हैं हमेशा बट मुझे पता नहीं था कि मोहित क्या पहन रहा था एंड देन सडनली लाइक ही वाज लाइक बेबी फिर से ब्लू मैंने कहा ओह ओके यू आर वेयरिंग ब्लू तो अपने लुक के बारे में बताएं किस तरह का काम है बहुत ही सिंपल लुक है बट आई डू वांट टू से दिस सो नॉर्मली वी ऑलवेज गेट स्टाइल बाय स्टाइलिस्ट एंड डिजाइनर्स लेकिन आज मैंने ये आउटफिट चुना है क्योंकि दिस आउटफिट इज गिफ्टेड टू मी बाय फैंस दे वर सो स्वीट उन्होंने ये आउटफिट मुझे अपने फर्स्ट वेडिंग
एनिवर्सरी पे भेजा था. दे सेंड मोहित समथिंग, दे सेंड मी समथिंग एंड दे वर लाइक प्लीज क्लिक पिक्चर्स इन इट एंड शो इट टू अस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये पहन नहीं पाई उस दिन और पिक्चर्स भी क्लिक नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पहनूंगी. सिंस आई वॉन्ट टू एनी वे थैंक देम कि सब हमारे लिए वोट कर रहे हैं नचपली में. सो दिस इज लाइक एन इवन बिगर थैंक यू कि थैंक यू, आई एम लुकिंग प्रीटी बिकॉज ऑफ यू. I'm just excited. Yeah, I'm just excited to see all the performances. अभी तक हम perform कर रहे हैं तो थोड़ा सा relax मिले लोगों का performance देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं उतनी relax नहीं हूँ क्योंकि मैं perform कर रही हूँ, but I'm actually looking forward to see Sanaya's performance, Drashti's performance. Yeah, I'm looking forward to see Drashti's performance. Yeah. I forgot she's performing. Yeah. Nachpali ये भी wild card entry होने वाली है तो. No, I'm not worried. I'm just happy that everyone is coming back. You know, जो लोग गए थे वो वापस आ रहे हैं तो और मज़ा आएगा. But at the same time, stress थोड़ा सा बढ़ जाएगा because उतना ही ज़्यादा performance करने पड़ेंगे हमें. But अच्छी बात ये है कि normally जब wildcard होता है तो different people come. But ये हमारे ही लोग हैं. So it's so exciting seeing them again in the rehearsal hall and you're like, yay, you're back. बट बस प्रॉब्लम इसका है कि मतलब हम कम हुए फिर वापस बढ़ गए, मतलब उतने और हफ्ते टू रीच द फिनाले और हमारी हड्डी पसली सब टूट रही है तो क्या. मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है अगर माहौल वहाँ इतना गर्म है तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो. ये लोग यहाँ गर्मी का मजा ले रहे हैं. कल बारिश भी हो गई. अर्जुन होस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है, दृष्टि तुम बहुत अच्छा करती हो और आप सब देखेंगे दृष्टि का परफॉर्मेंस भी विच इज़ माइंड ब्लोइंग एंड एवरीबडी नोज कि ये बहुत अच्छा डांस करती है. विनर भी रह चुकी Well, it's been styled by my stylist and his name is Pranav Sood and I think he's just very good with his job. It's a little Indo-Western, very different and I love it. The minute he showed it to me, I was like, nahi, ye pehno. Aur hota ye ki hum sab parivar mein gareeb nahi hai, hum ameer hain, hamare kapde bhi ameer dikhte hain. Par Raghav to waise hi bahut. Aaj aisi naina शो में दिखती तो बट आई गेस जानबूझ के मैंने कुछ अलग ट्राई किया बिकॉज आई जस्ट वांटेड माय फैंस और द व्यूअर्स टू सी अस. आई एम श्योर दे आल्सो वांट टू सी अस इन समथिंग एल्स एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू ड्रेस डिफरेंट जस्ट फॉर देम एंड ऑफ कोर्स फॉर अस टू बी मोर टू लुक प्रीटी एंड चेरी हैज डिजाइन माय आउटफिट सो यस आई लव इट. इजंट शी लुकिंग लाइक अ बॉबी गर्ल लाइक द ब्लू बॉबी गर्ल. थैंक यू एवरीबॉडी. यू गाइस हैव अ गाइस प्लीज वॉच हॉट डे सा परिवार 28 मई रात 8 बजे या 7 बजे 7 बजे से शुरू कर दीजिएगा. रेड कार्पेट रहेगा तब हमारा गाउन देख लेना और फिर 8 बजे इवेंट देख लेना. लव यू ऑल. हमें देखते रहना.